हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 12x² + 4x + 2 - 3x / 2x + 2 दिस इज इक्वल्स टू 1। एंड स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास डेनोमिनेटर पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर भी डेनोमिनेटर पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अगर आप इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं तो आपको एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, एंड देन आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं उस मेथड को अवॉइड करते हुए एक दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, न्यूमरेटर हमारे पास एक्स है एंड डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में एक्स से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास न्यूमरेटर में तो कॉन्स्टेंट रह जाएगा और डेनोमिनेटर में हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 से डिग्री 1 हो जाएगी। तो देखिए, बट अगर हम एक्स से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड करना चाहते हैं तो जो हमारा एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं क्या एक्स इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, एंड डेनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ ऊपर आएगा हमारे पास 0, ऊपर आएगा हमारे पास 0 और नीचे आएगा हमारे पास 2, फिर माइनस। अगर मैं यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा 3x। तो यहाँ आएगा हमारे पास 0 एंड डिवाइड बाय ये, यहाँ पर पूरा पार्ट 0 हो जाएगा एक्स की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा और यहाँ नीचे आएगा हमारे पास 2। तो अब देखिए, 0/2 क्या हो जाएगा 0, एंड 0/2 0 और 0 - 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुल मिलाकर 0 आएगा और राइट हैंड साइड में क्या है 1। तो 0 = 1 नहीं होता, यानी कि x = 0 इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 0 नहीं है। तो x की वैल्यू 0 अगर नहीं है तो मैं इस इक्वेशन को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में x से डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैं न्यूमरेटर में x से डिवाइड करूंगा तो 12x को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में 12 एंड डेनोमिनेटर में देखिए कितना आएगा x² को अगर मैं इस x² को x से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x प्लस, एंड 4x को मैं डिवाइड करूंगा x से तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4 प्लस, एंड 2 को डिवाइड करेंगे x से तो हमारे पास आएगा 2 डिवाइड बाय x, एंड देन माइनस यहाँ पर हमारे पास है 3x। अब 3x को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 3 एंड डिवाइड बाय x² को डिवाइड करूंगा अगर मैं x से तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x प्लस, एंड 2x को डिवाइड करूंगा मैं x से तो हमारे पास आएगा 2 एंड प्लस यहाँ पर 2 को डिवाइड करूंगा मैं x से तो मेरे पास आएगा 2 डिवाइड बाय x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 प्लस 2 बाई एक्स, एंड यहाँ पर हमारे पास x प्लस 4 प्लस 2 बाई एक्स। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2। तो देखिए, अगर मैं x प्लस 2 प्लस 2 बाई एक्स को t पुट करता हूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो हमारा t हो गया, और अगर मैं दोनों तरफ t 2 ऐड कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो हमारे पास आएगा x प्लस 4 प्लस 2 बाय एक्स, दिस इज इक्वल्स टू t प्लस 2। तो देखिए, x प्लस 2 प्लस 2 बाय एक्स t है तो x प्लस 4 प्लस 2 बाय एक्स t प्लस 2 है। तो देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन तो t प्लस 2 के बराबर है और ये पूरा एक्सप्रेशन t के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 12 डिवाइड बाय t प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, डेनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर टी प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय टी, एंड इस टी को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 टी माइनस, एंड माइनस 3 को टी प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पर न्यूमरेटर वाले पार्ट में 12t एंड -3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा -3t, एंड -3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -6 एंड डिवाइड बाय इस t को मल्टीप्लाई करेंगे इस t से तो हमारे पास आएगा यहाँ पर t² एंड इस t को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा प्लस
प्लस टू टी एंड दिस इज इक्वल्स टू वन। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास न्यूमरेटर वाले पार्ट में 12t माइनस 3t, 12t माइनस 3t कितना हो जाएगा ये 90, 90 माइनस 6, तो न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास 90 माइनस 6 एंड डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल्स टू 1, टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आएगा यहां पर 90 माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t। अब मैं सभी एक्सप्रेशंस को एक तरफ ले लेता हूं, तो हमारे पास आएगा यहां पर टी स्क्वायर प्लस 2t एंड ये प्लस का 90 है तो लेफ्ट हैंड साइड से, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा और माइनस का 6 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहां पर हमारे पास आएगा टी स्क्वायर एंड 2t माइनस 90 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 70 एंड प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टी स्क्वायर माइनस 70 को मैं लिख सकता हूं माइनस 60 माइनस टी प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आप टी स्क्वायर माइनस 60 को ध्यान से देखेंगे तो टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा टी माइनस 6 एंड यहाँ पर आप माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर टी माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये टी माइनस 6 और ये टी माइनस 6, ये टी माइनस 6 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर टी माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, टी माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो हमारे पास टी माइनस 6 0 के बराबर होगा या फिर टी माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास टी की वैल्यू आएगी 6 और यहां से हमारे पास टी की वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास टी की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो टी इज इक्वल्स टू 6 और टी इज इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं बोलता हूँ केस फर्स्ट और ये मैं लेता हूँ केस सेकेंड और हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि एक्स प्लस टू प्लस टू बाई एक्स को मैंने टी पुट किया था, एक्स प्लस टू प्लस टू बाई एक्स को मैंने टी पुट किया था और टी की दो वैल्यूज आ रही है टी इज इक्वल्स टू 6 और टी इज इक्वल्स टू 1। तो पहला केस है हमारा टी इज इक्वल्स टू 6, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x प्लस टू प्लस टू बाई एक्स दिस इज इक्वल्स टू, टी के जगह हम पुट करेंगे 6 तो यहाँ पर आएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x प्लस टू बाई एक्स और इस प्लस टू को जब मैं राइट हैंड साइड में लेकर के जाऊंगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। यहाँ डेनोमिनेटर पार्ट में x है तो मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ x से, तो हमारे पास आएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इस एक्स को जब टू बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा प्लस टू एंड ये प्लस का फोर एक्स है, जब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा माइनस का फोर एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए एंड यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो है 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को ए बोलते हैं तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4 बिकॉज एक्स के कोफिशियंट को बी बोलते हैं यानी माइनस 4 एंड सी की वैल्यू कितनी है 2। तो ए बी सी की ये वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पुट करेंगे माइनस फोर तो यहाँ आएगा माइनस फोर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर एंड ए, ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 2 एंड डिवाइड बाय 2 एंड ए की वैल्यू है 1। तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस फोर टू जा 8 एंड डिवाइड बाय 2। तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्टूडेंट्स हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 बराबर होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ आएगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 अपॉन में 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा इस 2 से 2 बार पे एंड ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ रही है,
एक तो आई एक्स इज इक्वल्स टू टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, एंड एक एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो ये हमारे पास एक्स की यहाँ पर दो रियल वैल्यूज आ रही है। अब सॉल्व करते हैं केस सेकेंड को। तो हमें पता है कि एक्स प्लस टू प्लस टू बाय एक्स ये टी के बराबर है। एक्स प्लस टू बाय एक्स ये किसके बराबर है? टी के बराबर है। एंड टी की एक वैल्यू तो 6 थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब टी की सेकेंड वैल्यू यानी केस सेकेंड क्या, हमारे पास टी की वैल्यू 1 है। तो टी की वैल्यू 1, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एक्स प्लस टू बाय एक्स, दिस इज इक्वल्स टू टी की जगह पुट करेंगे हम 1। तो एक्स ये 2 प्लस का है, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा हमारे पास तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास एक्स प्लस टू बाय एक्स। तो यहाँ डेनोमिनेटर पार्ट में एक्स है, अगर मैं दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एंड इस एक्स को जब टू बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा प्लस टू, एंड ये माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, एंड बी की वैल्यू है 1, एंड सी की वैल्यू है 2। एक्स स्क्वायर कोशेंट को ए बोलते हैं और एक्स के कोशेंट को बी बोलते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। और हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू है 2 एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स 2 दैट इज 8 एंड डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7। एंड स्टूडेंट्स ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 7, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 होता है आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स आई यानी आयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 आई डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास x की दो वैल्यूज आई है, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस, एक बार मैंने पॉजिटिव साइन को कंसिडर किया है, एंड देन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आई डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास x की चार वैल्यूज आ रही हैं, दो तो हमारे पास x की इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हैं और दो हमारे पास x की रियल वैल्यूज आ रही है। तो ये x की यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में चार वैल्यूज है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।